सीखना है तो सबसे पहले दिन आपको स्वर और व्यंजन में अंतर पता होना चाहिए। हमारे स्वर होते हैं अ आ ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, अम और अह। ये सारे हमारे स्वर होते हैं। स्टेनो में इनका इस्तेमाल भी होता है और व्यंजन का इस्तेमाल भी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अ से लेके अह तक। वैसे बहुत सारे बच्चों को ये सब पता होता है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आप एक बार इन चीजों से वापस रिवाइज कराया जाए, क्योंकि हमारा डे फर्स्ट है। मैं नहीं चाहता कि आपका हक कहीं पर भी रुके स्टेनो में। तो ये हमारे थे सारे स्वर। अब हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन में अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। अ से लेके छत्रज्ञ तक वो सारे व्यंजन होते हैं। अ से लेके अ तक ये सारा स्वर होता है। व्यंजन हम सीखेंगे, उसमें अलग अलग वर्ग होते हैं। स्टेनो में व्यंजन में अलग अलग वर्ग होते हैं। मैं मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा आपको ड्रॉ करके कि कौन सा व्यंजन किधर बनता है। आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम इसके बाद व्यंजन सीखना चालू करते हैं। तो आइए, तो हमारा आज हम इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो पहली हम स्टेनो में दिशा का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें हमेशा दिशा का ध्यान रखना होता है। दिशा मतलब हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। हिंदी में बोले तो बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। आपकी आपकी जो कॉपी होगी स्टेनो की, अभी तक आप शादी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जब स्टेनो हम लिखना चालू करेंगे तो उसकी अलग से कॉपी आती है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट उस समय दिखा दूंगा। तो अभी आप क्या करिएगा, जब आपकी रजिस्टर या कॉपी होगी उसमें अलग लाइनें होगी ना, उन लाइनों को ऐसी लाइनें होंगी, उन लाइनों पे आप इसे टच करके बनाइएगा, ठीक है। तो हमारा क बनता है लेफ्ट टू राइट, इसका हमेशा दिशा का ध्यान रखना। यहां से यहां ये होता है क, और एक बार याद रखिएगा कि हमेशा ये एक ही दिशा में बनता है। इसे ऐसे नहीं बनाना, ऐसे कभी नहीं बनाना, इसे हमेशा अब एक ही दिशा की तरफ। जैसे ये क क क, ये तो बोर्ड है इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। जब आप रियल में बनाओगे तो आपको ये हो जाता आपका क, आप ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे बोलते जाइएगा। आप कम से कम एक पेज इसकी प्रैक्टिस करिएगा आज, क की प्रैक्टिस एक दिन। प्रथम दिन में अपन क की प्रैक्टिस करेंगे एक पूरा पेज। क यह
होता है अंत काटा। अब आप पूछेंगे कांटे क्या होते हैं सर, तो क पता पहचानो कि ये सीधी एक लकीर है और ख को अपन डिफाइन करने के लिए हमने उसमें कांटे जोड़ दिए। प्रथम कांटे से क्या होगा, ख अगर किस शब्द के प्रथम में है तो प्रथम कांटा इस्तेमाल होगा, ख किसी शब्द के मध्य में है तो मध्य कांटा इस्तेमाल होगा और ख किसी शब्द के अंत में है तो अंत इस्तेमाल होगा। तो हम जब स्टेनो लिखने लगेंगे तो लिखने का टाइम आएगा तब इन कांटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो हमें इस प्रकार से याद करना, इसकी दिशा भी लेफ्ट टू राइट रहेगी, ख के वर्ग में सारे की दिशा एक जैसी रहेगी है ना, इसकी दिशा भी लेफ्ट टू राइट रहेगी मतलब बाएं से दाएं की ओर। इसमें प्रथम स्थान पर प्रथम कांटा, मध्य स्थान पर मध्य कांटा और अंत स्थान पर अंत कांटा, ठीक है जो है ना। स्टेनो में इस क वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, तो अभी अल्प प्राण में होंगे क और ख और महाप्राण में होंगे ग और घ। इसका मतलब क्या होता है, क जो होता है वो लाइन से लाइन टच करके बनेगा, ख भी लाइन टच करके ही बनेगा, ठीक है, और ये तीन प्रकार से बनेगा। ग जो है ये क से हल्का सा गाढ़ा बनता है हमेशा, ये जो ग है ना इसको हल्के से पेंसिल गाढ़ा के लिखेंगे हम। अभी तो मेरे पास वाइट बोर्ड है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इसमें और इसमें गाढ़े और हल्के में हल्का मतलब लाइट और डार्क में, ये लाइट बनता है ये डार्क बनता है, ये वैसे ही ये भी डार्क बनेगा। ये ग प्रथम ग मध्य ग अंत, बहुत सारे प्रणाली वाले क्या करते हैं इसे मध्य में काट देते हैं, पर हमेशा मध्य में करता हूँ मतलब कभी ख अंत में आया तो हमें मध्य काटना चलते हुए डिक्टेशन में हाथ उठाना बहुत स्पीड हमारी गिरा देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तीन बार काटेंगे, जैसे घ को ना कोई कोई मध्य से काट देता है ऐसे बस और छोड़ देता है, नहीं हमें ना उसका क्या करेंगे चलते हुए डिक्टेशन में हमारा हाथ बार बार उठे नहीं क्योंकि काटने के लिए हमें बार बार हाथ उठाना पड़ता है। तो हम उसके लिए नई चीज जोड़ रहे हैं इसमें, इसको अंत में अंत काटा बना देंगे और प्रथम में प्रथम काटा बना देंगे। तो उससे हमारा ना हाथ बीच में चलते हुए डिक्टेशन में बीच में हाथ उठेगा नहीं, उससे हमें बहुत फायदा मिलेंगे। तो आज का हमारा हो गया कि हम क ख ग और घ, मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस टाइम प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत फायदा मिलेगा। इतने बड़े बड़े वाक्यों को बहुत छोटे फॉर्म में बना देंगे इस टाइम में, तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को बिल्कुल फॉलो करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या मेरे प्रणाली में कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में जरूर पूछेगा। इस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ये चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर पूरे स्टेनो का कोर्स देंगे आपको, ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहेंगे स्टेनो की, जो स्टेनो को बहुत आसान कर देती है, आसान भाषा में उपयोग होता है स्टेनो।